नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। सर्व समाज सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने की शिरकत, भाजपा के पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। सर्व समाज सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने महिपाल खेल मैदान सागवाड़ा में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए शिरकत की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा, जिला प्रमुख सूर्या आहारी, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, पंचायत समिति सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक प्रदीप गामोट, नीरज पंचाल, नयन कटारा आदि मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समूचे प्रदेश में कमल खिलेगा। महिपाल खेल मैदान में खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर संपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज मैं विशेष रूप से ही आया हूं। हमारे माननीय सांसद कनकमल कटारा जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से पूरे देश में जो सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, उसके उत्साहवर्धन के लिए आया हूं। जैसा मुझे जानकारी मिली और देश में भी सब जगह से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि राजनीति केवल नारों की नहीं हो, राजनीति रचनात्मक भी हो, और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति में किसी भी विद्यार्थी के और बहुमुखी विकास और व्यक्तित्व के लिए उन्होंने आह्वान किया है, उस लिहाज से खेल अब पढ़ाई के साथ व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो। सामाजिक रूप से भी हम देखते हैं कि गांव-गांव में कभी कबड्डी, क्रिकेट और इस तरीके की खेलों की प्रतियोगिताएं भी करते हैं और लोग क्लब बनाकर भी उसमें खेल करते हैं, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और सांसद कभी खेल प्रतियोगिता कराएगा जिसमें सभी समाजों का योगदान होगा, तो ये एक अभिनव, इन्होंने एक नवाचार किया है जिसमें सर्व समाज के लोगों को समाहित करते हुए हर मंडल की टीम जिसमें है, और खेल क्योंकि केवल मनोरंजन नहीं है, खेल लोगों को जोड़ता है, इसलिए हमारा जो काम है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी लोगों को जोड़ना, तो खेल में वो ताकत है कि जो किसी भी बंधन को तोड़ के लोगों को जोड़ता है। तो सांसद महोदय ने अच्छा नवाचार किया है, मुझे आपने जानकारी दी थी, इस नाते मुझे अच्छा लगा कि मैं आकर उनके काम को अप्रिशिएट करूं, तो इस नाते मैं सागवाड़ा आया हूं। सर, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके इस बयान को आप किस तरह? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यदि ऐसा कहते हैं तो पहले जानकारी मिली थी कि लोगों की नहीं सुनते हैं, बहरे हैं, पर अब लगता है अंधे भी हैं, क्योंकि राजस्थान के हर किसी व्यक्ति को पता है कि 4 सालों में राजस्थान की हालत क्या हुई है। राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया, राजस्थान के किसान, 18,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हुई है, राजस्थान के पिछले 4 वर्षों के नौजवानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा है 10,000, जिसमें 2,500 विद्यार्थी हैं, यानी आज बेरोजगारी 28.3% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये संस्था ने जो आंकड़े जुटाए हैं उसमें देश की बेरोजगारी प्रतिशत है 7 और राजस्थान की है 28.3%। जिस तरीके से रीट की चीट ने और पेपर लीक ने विद्यार्थियों को आत्महत्या और अवसाद के लिए मजबूर किया, वो सरकार कहती है मुद्दे नहीं है। तीसरा पक्ष है यहाँ पर, जिस तरीके से जो अपराध हैं, भ्रष्टाचार है, मैंने सदन में भी कहा कि राजस्थान में इस समय जो भ्रष्टाचार है उसको राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस ने शिष्टाचार बना दिया। अस्पतालों की हालत ये है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, 85,000 पद खाली हैं, 1,00,000 भर्तियों की घोषणा की, लेकिन अभी तक यदि सरकार ईमान पर होती तो 95,000 व्यक्ति नौकरी पा चुके होते, खूब सारी भर्तियाँ लंबित हैं। राजस्थान में बिजली, सड़क और पानी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी लोगों को लुभावन करने के लिए, 18 में करते तो मानते, 19 में करते तो मानते, 20 में करते तो मानते, 21 में करते तो मानते, लेकिन चुनाव आया तब उनको सुध आई, लेकिन बिजली देंगे तो ना, इसलिए बिजली की कमी है, सड़कों की हालत ख़राब है, पानी के लिए जो जल जीवन मिशन राजस्थान में 1 करोड़ घरों तक कनेक्शन देना था, आज सिर्फ 32,00,000 कनेक्शन हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र के पैसे को भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है
वो मुझे लगता है कि इतना बड़ा है कि वो तो सरकार को रिपीट करने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इस आक्रोश से तो ये सरकार नहीं, कांग्रेस परमानेंटली डिलीट होगी। सर, हाल ही में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे डूंगरपुर के दौरे पर रही थी और उन्होंने जिस तरह से जन सुनवाई की, उनके सामने जिस तरह से बीजेपी के दावेदार पेश हुए हैं, तो क्या बीजेपी ने अपनी विधानसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है उनको, या उनको ऐसी कोई जिम्मेदारी दी है क्या? देखिए, पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, ये केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है। नेताओं का अपना सम्मान अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पिछले दिनों दौसा का आगमन और उसमें लाखों लोगों का आना, ये इस बात का संकेत है कि मोदी जी का नाम और काम ये राजस्थान में जनमानस में बड़ा है। दूसरा कारक है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और विचार की और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और उसकी ताकत। हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नाम और काम पर लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के लिए लड़ेंगे। सर, उन्होंने एक मतलब यहाँ के लोगों ने एक विज्ञापन भी जारी किया था वसुंधरा जी के आगमन को लेकर, उसमें कमल का निशान गायब था। देखिए, कमल का मुझे देखा नहीं मैंने विज्ञापन, बाकी तो कमल का निशान तो पूरी दुनिया में छा रहा है, तो गायब होने का प्रश्न ही नहीं है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।